के शुक्रगुजार है जब आप अफगानिस्तान आए। और ये जो आपने कहा कि हम डर रहे थे, क्यों हम इंसान नहीं है? हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। आप इंडिया के बहुत बड़े फैन? बहुत, हमको इंडिया बहुत पसंद है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई जान, भाई भाई। दिल से शुक्रिया। जब दिल खफा हो जाता है तो कपिल शर्मा के शो देखते हैं, खुश हो जाते हैं। अच्छा, एक बंदा आप देखिए हम लोगों के पास आ गया कि आप अफगानिस्तान है, हमारे मेहमान बन गए। अच्छा लगा। आपका दोस्त नहीं है तो आपको हिंदुस्तान से प्यार है? बहुत प्यार है। आपको देख के बड़ा दिल खुश हुआ? मैं भी खुश हुआ। आज रात हमारे साथ गुजारो। अरे भाई जान, भाई जान मिले जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान से मोहब्बत है? ये देखिए, ये बोलते हैं कि हमारे साथ रोटी खाओ। नहीं, शुक्राना शुक्राना भाई जान, आपने दिल से पूछा हमारे लिए, आपने पूछा इतना ही हमारे लिए काफी है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, नाराज मत होइए भाई जान, नाराज मत होइए। गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अंस और अभी मैं हूँ यार अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में, जो कि जलालाबाद प्रोविंस का कैपिटल भी है और सेकेंड लार्जेस्ट शहर बोला जाता है अफगानिस्तान कंट्री का एज पर पॉपुलेशन वाइज। लैंड काफ़ी छोटा है बट पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है काबुल के बाद, अगर आप पूरे अफगानिस्तान कंट्री में देखोगे। और सबसे खास बात इस प्लेस की है वो है यहाँ का डिस्टेंस। यहाँ से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो सिर्फ 60 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से पेशावर सिर्फ 150 किलोमीटर। तो यहाँ जलालाबाद में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है अफगानिस्तान का डेलिकेसी यानी लोकल क्विजिन और जलालाबाद का स्ट्रीट फूड, जिसके लिए एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आज सबसे पहले प्लेस पर जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ ना, जलालाबाद के अदाम खान चापली कबाब के सेंटर पे, जो कि आई थिंक पूरे अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर का या पूरे अफगानिस्तान का सबसे मशहूर फूड है, जो कि आई थिंक हर एक बंदा अफगानिस्तान में इस कबाब को खाने ज़रूर आता होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं उनकी शॉप पे आ चुका हूँ और दो बात आपको बतानी थी। एक ये कि अदाम खान जो हैं वो हैं ये जस्ट बाजू में जो अपने उमैद भाई। तो उमैद भाई अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, शुक्राना शुक्राना, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये हैं यार उमैद भाई और इन्हीं के जस्ट बाजू में हैं इनके भाई जिनका नाम है आदम खान। तो यार ये जो दोनों भाई हैं ना, इन दोनों भाई का जो चेहरा है वो अपने अदनाम सामी से काफ़ी मिलता जुलता है। पहली बार जब इनको मैंने वीडियो में देखा था तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वाकई ये कैसे दिखते हैं। बट इन सब के अलावा जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस प्लेस का ना, वो है यहाँ का कबाब। तो ये कबाब बनता कैसे है अब मैं वो आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। तो बेसिकली इसको ना आप देखने लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद में कई जगह हमारे यहाँ भी कबाब बनता है, तो कुछ वैसा ही माहौल है। इनके बनाने की जो USP है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रही है। अगर आप देखोगे तो ये है यानी मांस, इसको ये मैरिनेट करते हैं अलग अलग चीज़ों से। तो अब इसमें क्या क्या मिलाते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये हैं उमैद भाई जी, अस्सलाम वालेकुम फिर से, खैरियत? माशाल्लाह, काफ़ी दूर मिलने आए हैं आपसे। आपके बारे में काफ़ी सुना हुआ था तो आज फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला। तो गाइज ये हैं वो तक आई थिंक जो पूरे अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपको दिखेंगे। अब ये बनाते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है एक्चुअली देखिए अपना मीट। अब इसको इन्होंने अलग अलग चीज़ों को मिलाना स्टार्ट किया, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्चा, पनीर और जैतून। ओके, जैतून भी डालते हैं। जैतून है, पनीर है, ओके, अंडे हैं। तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आई थिंक हर वो एक चीज़ डालने की कोशिश करते हैं जो इसका टेस्ट अलग कर दे। लाल वाले मिर्ची का दाना भी ये यूज करते हैं ताकि भाई काफ़ी स्पाइसी हो, क्योंकि अफगानिस्तान में भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा, खासकर जलालाबाद में तीखा लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ खाते हैं। यहाँ पे तीखा लोग खाते हैं एकदम स्पाइसी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब ये देखिए ये इन्होंने पूरा पेट दिया। अब ये कैसे इसको बनाते हैं, ये है इनका बनाने का तरीका। इस तरह से आप सोचिए ये गरम ऑयल है, काफ़ी ज़्यादा ये गरम है, और उस ऑयल में इस तरह से ये पराठे टाइप का, जैसे पराठा बनाते हैं ना तवे के ऊपर, अब गरम तेल के ऊपर इन्होंने पूरे मांस को जो इनका पूरा स्टफिंग है उसको इन्होंने ऐसे बना दिया है। अब धीरे धीरे इसको ये तेल के अंदर ढकेलना स्टार्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। आप खुद देखो वो भाई बनाने का इनका तरीका देखिए। ओ ओ ओ, ये है असली कबाब और कितना बड़ा कराहा है, आप ये कराहा देखिए। हाँ
कितने साल से ये बना रहे हैं? ये इसका बाप के नजर है, पापा के पापा से, मतलब कई जनरेशन से। तो आप खुद सोचिए गाइस कि कितनी जनरेशन से ये काम चलता आ रहा है। मतलब ये पुश्तैनी खाना है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक चलता चला रहा है। ये और इनके भाई जान देखिए, जस्ट दोनों भाई जान बाजू में बैठते हैं। आई थिंक ये दोनों भाई भाई मुझे तो बार बार अदनान खानी की याद दिला रहे हैं। और दोनों का जो बॉडी है, जो फिटिंग है, पहनावा है, वेशभूषा है, बाल इनका देखिए माशाल्लाह, दोनों भाई का जो बाल वगैरह है वो भी काफ़ी उसी स्टाइल में लोग रखते हैं। आई थिंक इनको अफगानिस्तान में हर एक बंदा जानता होगा, पूरा जलालाबाद इनको जानता होगा। और आई होप इंडिया में भी अब हर एक बंदा उमेर भाई को, अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे गाइस, आप इनके पास आइए। अगर आप नॉनवेज के दीवाने हैं, इस तरह के कबाब के दीवाने, आई थिंक इस शॉप पे आपका आना बनता है। आपको देखिए कितने लोग इनके पास खाने के लिए आते हैं, भीड़ लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे भाई लाइन लग जाती है खाने के लिए। और इस कबाब का जो प्राइस है ना भाई, कितना है प्राइस? 70 रुपये। सबसे जो कम प्राइस है वो 70 रुपये, और सबसे महंगा जो प्राइस है वो 600 रुपये। 600 वाले में क्या क्या रहता है? 600 रुपये में। अच्छा, तो अभी ये वाला जो हमने बनाया ना, ये है 600 रुपये का, और जो सबसे छोटा होता है उसकी जो कीमत है वो 70 रुपये की। तो यार ये था वो शॉप जिसको विजिट करने के लिए हम अफगानिस्तान के काबुल से चल के जलालाबाद आए हुए हैं। तो गाइस अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं जलालाबाद पहुंच चुका हूं, और यहां पे आप देख सकते हो ना, ऑलमोस्ट आपको अपने इंडिया की याद आएगी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, यहां पे जो ऑटो है ना, टुक टुक येलो कलर की, पीली कलर की, आपको TVS की और बजाज की चारों तरफ दिख जाएगी। और यहाँ पे भी ऑटो 2-3 तरीके का है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये पूरे जलालाबाद शहर का मेन सिटी सेंटर डाउनटाउन एरिया है, चारों तरफ कमर्शियल प्लेसेस, बाज़ार और ये हर चीज़ें हैं। ये देखिए भाई साहब, सब लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया, हम हिंदुस्तान बॉम्बे से आए आप सबसे मिलने, घूमने चक्कर। ओ ओ ओ यार, तो गाइस ये देखिए हमारा जो सबसे अच्छा वाला कबाब है वो कम्प्लीटली पक के तैयार हो चुका है। तो वैसे भाई जान अपने बनाते हैं, ये देखिए अब इसको पैक करने का तरीका। ओ शुक्राना शुक्राना भाई जान, शुक्राना। तो ये देखिए उबैर भाई ने यार, मतलब इनकी दुकान पे हम आए और इन्होंने मुझे ये नजराना पेश किया कि कोई बात नहीं, आप आए हैं तो आपको खाना पड़ेगा। तो ये आप लोग, थैंक यू, शुक्राना भाई जान, शुक्राना, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। तो यार कितना अच्छा लगा, मतलब ये सोचिए कि अलग अलग स्ट्रीट फूड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब ये देखिए, ये अपनी बजाज की और आई थिंक TVS की अलग अलग गाड़ियाँ हैं। हिंदी रिक्शा, हिंदुस्तान, हाँ ये हिंदुस्तानी है। और भाई यहाँ पे हर एक बंदा आप देखिए हम लोगों के पास आ गया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी में बात कर पाते हैं, हमें समझ पा रहे हैं। आप समझ पाते हैं हिंदुस्तान? हाँ, उर्दू थोड़ा 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 थोड़ा, कोई बात नहीं, हमको फुल उर्दू आती है। आपका नाम भाई? मेरा नाम दिलबर है। दिलबर, अरे बाप रे दिलबर, तो दिलबर दिलबर हमारा नाम अंश। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। आप इंडिया के बहुत बड़े फैन? बहुत, हमको इंडिया बहुत पसंद है। हम वहाँ के सीरियल भी देखते हैं और उनकी फिल्में भी देखते हैं। अच्छा। ज्यादातर कपिल शर्मा की शो देखते हैं। क्या बात है। हाँ, जब दिल खफा हो जाता है तो कपिल शर्मा के शो देखते हैं, खुश हो जाता है। अच्छा, तो अपना दिल बहलाने गया। तो आपको हिंदुस्तान से प्यार है? बहुत प्यार है। हम भी देखिए अफगानिस्तान में आप लोगों से मिलने आए हैं, बातें करने आए, वो सारी चीजें एंजॉय करने। थैंक यू। मतलब जलालाबाद आज हम पहली बार आए, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, लोगों को देख के काफी अच्छा लग रहा है, हमको भी खुशी हो रही है हिंदुस्तान से। अब आप लोग हम यहाँ, अरे बात, आप गाइस आप ये देखिए चारों तरफ हमारे सारे भाईजान लोग हमसे मिलने के लिए आए, कितना अच्छा लग रहा है, सब प्यार से मोहब्बत से बात करने की। ये बोलते कि हमारे साथ रोटी खाओ। नहीं, शुक्राना शुक्राना भाई जान, आपने दिल से पूछा हमारे लिए, आपने पूछा इतना ही हमारे लिए काफी है। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, नाराज मत होइए भाई, नाराज मत होइए भाई, बोले नाराज हो जाएंगे अगर आप हमारा खाना नहीं खाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, चलो चलो चलो। ओके, शरबत। शुक्राना भाई जान, दिल से शुक्रिया, मोहब्बत। शुक्राना, दिल से मोहब्बत, शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे, वो दुकान पे जो उबैद भाई थे ना,
वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा और साथ में जूस पानी लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा हुआ। हमने उन्हें समझाया भाई कि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, बस आपकी दुकान पे विजिट करने के लिए आए थे और भी कहीं हमें जाना है। तो मतलब अफगानिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी वो नेक्स्ट लेवल की है। और अभी एक भाई जान और मिले जो बोल रहे हैं नहीं आपको जूस पी के जाना पड़ेगा वरना हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो मतलब यहाँ पे यार लोग हिंदुस्तान को इतना ज़्यादा चाहते हैं ना, मुझे अभी भी इस बात का बिलीव नहीं हो रहा है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क आप सोचिए जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे अपने इंडियन से इतना ज़्यादा प्यार है, लोगों को मोहब्बत है। ये बहुत बड़ी बात है यार। अब आप देखिए भाई जान, बढ़िया बढ़िया शुक्रिया। आप कहते हैं आपका नाम कैसा लगा अफगानिस्तान आकर? मैं तो आई थिंक जब से आया हूँ आप लोगों की मोहब्बत में कायल हो चुका हूँ। इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा आप लोग भाईचारा दिखा रहे हैं। इतना जब हम पहले दिन आए थे हमको डर लग रहा था, हम अजीब सा सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या होगा कैसे लोग, बट जिस दिन से आज 6 दिन हो गया हर जगह लोग हमें प्यार मोहब्बत अपने घर से बुला रहे हैं, ले जा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अलग था, लग रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान में हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं जब आप अफगानिस्तान आए। और ये जो आपने कहा कि हम डर रहे थे, क्यों हम इंसान नहीं है माशाल्लाह, मतलब ये सब कोई मसला नहीं है, यही हमें बताना था लोगों को। मैंने तो अभी पहले भी आपके दोस्त के साथ मैंने कहा कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई जा भाई भाई। और हम आपके शुक्रगुजार हैं जब आप अफगानिस्तान आए हमारे मेहमान बन गए, बहुत शुक्रगुजार है। नहीं नहीं मतलब हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ये देखिए यार, इन्होंने जो बात बोली कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है और उसी के लिए ये लोग कितना था, मतलब इनका है कि आप आइए, आप ज़रूर आइए हमारे यहाँ। कब तक शुक्रिया भाई जान, शुक्रिया शुक्रिया। तो ये देखिए बार बार बिना बोले मना करने के बाद भी ये लोग नहीं मानते। अगर हम इसको मना कर देंगे ना तो ये लोग नाराज़ हो जाते हैं। आपने एक काका को देखा होगा कि उन्होंने भी बोला नहीं आपको खाना खा के जाना पड़ रहा है वरना हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये एक हॉस्पिटैलिटी आई थिंक अभी तक जितनी कंट्री में मैंने ट्रैवल किया है यार उसमें से ये नेक्स्ट लेवल है। तो ये है गन्ने का जूस जलालाबाद शहर का। तो गन्ने का जूस यार जैसे हमारे इंडिया में गर्मी के समय में आप लोगों को मिलता है ना, वैसे ही हर जगह आपको अफगानिस्तान में चलते ही गन्ने का जूस भी मिल जाएगा। आज रात हमारे साथ गुजारो। अरे भाई यार आपने आपने हमें गन्ने का जूस दिया, हमसे इतनी अच्छी बातें करी, अभी कम बंद करेंगे इंशाल्लाह और फिर साथ जाएंगे हमारी जगह, देख हमारी जगह भी देख लेंगे और रात को गपशप भी लगवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम अभी जाएंगे कहीं वापस आएंगे, अगर यहाँ आएंगे इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। मेरा नंबर मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है गाइज, आप खुद उनके मुंह से आपने सुना कि ना हमें जानते हैं, बट जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ बात किए हुए अपने घर पे ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं खाना खाओ गपशप करो साथ में रहो, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। बाकी ये मुझे आपको दिखानी थी अफगानिस्तान में इस तरह की भी एक यूनिक ऑटो है जो इस तरह से आपको सिर्फ दिखेगी, ये आप देखिए मतलब टुक टुक के अलावा इस तरह से भी यहाँ पे भाई रिक्शे वगैरह हैं जो चलते हैं। बाकी ये तो अपना TVS वाला बजाज ऑटो आपको मिल जाएगा हर तरह। ये देखिए अपना बजाज, तो बजाज का कुछ ऐसा है ऑटो, TVS का भी है बजाज का भी है, हर एक तरीके का है। चले भाई जान मिलते हैं भाई जान, खुदा भाई जान। तो ये हैं यार साफ़ी भाई के भाईजान, बचपन के दोस्त याराना, जिनका नाम है शीरत भाई। तो ये हैं जलालाबाद से, बट ये आप कितने साल से जलालाबाद में? यही कहीं 20 साल से जलालाबाद से। ये था जलालाबाद में अपना इंडियन गुरुद्वारा जो आपने देखा, आई थिंक ये काबुल के गुरुद्वारे से भी काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो एक्चुअली यार जलालाबाद मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के बॉर्डर से काफ़ी क्लोज है, तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न यहाँ पे कई ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें शायद एज ए इंडियन यहाँ पे रुकना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। इस वजह से हमने भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और ना ही हम गुरुद्वारे के अंदर जाने की कोशिश की है। फिलहाल सीरत भाई हमें बता रहे हैं यार, ये देखिए भाई गाड़ी जा रही है, तो मैंने नीचे कर लिया हुआ है। पहले के टाइम पे काफ़ी पंजाबी रहा करते थे, वो पूरी जो रोड आपको दिखी ना बाजार मार्केट वो सिर्फ सिख कम्युनिटी की हुआ करती थी, जहाँ पे वो सारे लोग अपना बिजनेस कारोबार यहाँ से किया करते थे। तो काबुल में और जलालाबाद में और मजार शरीफ में पूरे अफगानिस्तान का ये 3 इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी पहले के टाइम पे रहा करती थी। बट यार दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे एक पंजाबी पाजी हैं, अब वो
फिलहाल अभी कैमरे में नहीं आना चाह रहे थे, तो जो सीरत भाई साहब हैं उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो गार्ड वगैरह है ना उनसे आप जाके बात करो, परमिशन लो, अगर वो आपको एंट्री देते हैं तो आप जाके अंदर जा सकते हैं। सीरत जी, आप ये बताइए, आपने इससे पहले और किसी इंडियन लोगों से आपने कभी बात की है यहाँ पे? हाँ, आपका ताल्लुकात रहा? हाँ हाँ, तो यही जो रह रहे थे, हाँ, यहाँ पे जलालाबाद में, हाँ हाँ, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। अच्छा, आप उनसे मिलते थे, बात करते थे, बातचीत? इधर के लोग जो थे इंडियन के लोग, अच्छा, इधर रहते थे, हाँ? इन लोगों के दुकानें थे यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। अच्छा, तो किस चीज का वो धंधा करते थे, काम किस चीज का करते थे? हम उनको पिंचारी कहते हैं। पिंचारी पंजाबी? नहीं, पिंसारी वो ये दवाइयाँ बेचते थे, दवाइयाँ, दवाइयों का काम करते थे, होम्योपैथिक दवाइयाँ। हाँ, ओके। 100 साल से भी ज्यादा रहे, 100 साल से भी ज्यादा ये सारे इंडियन लोग यहाँ पे रहा करते थे, ये पूरी बाजार उन्हीं की हुआ करते थे, उन्हीं को, ये जो घर वगैरह हमने देखा, ये दुकानें हैं, ये उन्हीं की बिलोंग करते, ये सारा जगह वो उन्हीं का था, सारा मतलब उनका पूरा ये बाजार, उनका पूरा ये मोहल्ला हुआ करता था, राइट? नॉट ओनली दिस प्लेस, और भी, हाँ, बहुत जगह, और भी बहुत जगह थे, यानी डिफरेंट प्रोविंसेस। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एक जगह है, हाँ? बागे हिंदू के नाम पे, हाँ? और वो अब भी उन्हीं लोगों का है। घूमने तो अच्छा, के लिए या बिजनेस के लिए? नहीं, घूमने के लिए। अच्छा, फार्म हाउस टाइप होते थे, फार्म हाउस जैसे, लाइक दैट। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब अब सिख लोग चले गए हैं, या आपको कैसा लगता है? एक्चुअली ये भी क्या सोचते हैं आप इस बारे? हाँ, ये लोग भी हमारे कंट्रीमैन थे, इसी मुल्क के थे, अफगान थे वो लोग, अफगान थे, और 100 साल से ज़्यादा यही रह चुके थे, तो हम उनके बहुत ज़्यादा कदर करते थे, और गुड, वेरी गुड रिलेशनशिप था, और अच्छा क्लोज रिलेशनशिप, वेरी क्लोज। सीरत भाई ने आपको काफ़ी कुछ बताया जलालाबाद में अपने इंडियन कम्युनिटी के बारे में, कैसे लोग यहाँ रहा करते थे, कारोबार उनका काफ़ी अच्छा खासा था, ज़मीनें थी, बगीचे थे लोगों के, अच्छा खासा बिजनेस था। अभी जलालाबाद को छोड़ के जस्ट हम कामा प्रोविंस की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको, कामा डिस्ट्रिक्ट, कामा डिस्ट्रिक्ट, और इस ब्रिज पे एक चीज़ आप नोटिस करना, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड सिर्फ तालिबान का झंडा आपको दिख रहा होगा, और ये है भाई वो पॉपुलर रिवर, कुनर रिवर चेक पोस्ट है, तो सामने सिक्योरिटी पोस्ट है, इसलिए मैं भाई कैमरा नीचे कर ले रहा हूँ, इसको क्रॉस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान, दैट रिवर गोज टू पाकिस्तान, टू पाकिस्तान, यस। तो गाइस, जलालाबाद के अदाम चापली कबाब की शॉप पे विजिट करने के बाद यार हम जलालाबाद में लंच के लिए रुके हुए थे, लंच हमने किया और वापस से जलालाबाद के एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपने आइसक्रीम को लेके, कामा डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है इस जलालाबाद के नेबरहुड का, जो कि ऑलमोस्ट 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अपने इंडिया कंट्री का पकौड़ा, समोसा, जलेबी है भाई, हमको दिख गया, तो मैंने सोचा पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको दिखाने से पहले मैं अपने भाईजान लोगों से मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, उर्दू थोड़ा समझते हो? ओ, समझते हैं, क्या बात है, आपका नाम कैसा? ओ, शुक्रिया, हम हिंदुस्तान बॉम्बे से आए आप लोगों से मिलने, चक्कर हम घूमता है चारों तरफ, पाकिस्तानी हूँ, नहीं हिंदुस्तान बॉम्बे, अच्छा नहीं हमारा, हम सब दोस्त हैं, अभी तो हम अफगानिस्तान में सब दोस्त हैं। और आपकी ये दुकान है? अच्छा, वो आपकी दुकान, तो आप यहीं से हैं, कामा प्रोविंस से? कितने साल से, मतलब आप यहीं से? तकरीबन हमने 7 साल हो गया कि इधर पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हो गया। अच्छा, पाकिस्तान से? पहले उधर रहायश था। अच्छा, फिर पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान में चारसदर रोड बख्शुपुर। अच्छा, वहाँ से रहना होगा, बट आप अभी यहीं पे परमानेंट? यहीं पे है। आपको कैसा लगता है अफगानिस्तान? अच्छा, एकदम अफगानिस्तान भी अच्छा लगता है, पाकिस्तान पाकिस्तानी भी अच्छा है, अच्छा लोग है, खुश अखलाक लोग है, हमारे साथ बहुत अच्छा रवैये किए, तो आपको मैंने देखा, मैंने बोला तुम पाकिस्तानी हो, उर्दू में बात तुम करते हो, मैंने बोला तुम पाकिस्तानी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हम पे बहुत अच्छा लगता है, दोस्त आपका, दोस्त से पूछा वो पाकिस्तानी, इसने बोला नहीं ये हिंदुस्तान से है। अरे अरे, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, नहीं हिंदुस्तानी भी बहुत अच्छा लगा। भाईजान मिले जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं बट हैं अफगानी, सारा इनका कारोबार इसी अफगानिस्तान कंट्री में, तो पाकिस्तान भी जाते हैं, अफगानिस्तान भी जाते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत है। ये देखिए, मतलब कहते हैं ना यार, दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, पाकिस्तान ऐसा है, हिंदुस्तान ऐसा है, बट आप देखिए, दो मुल्क के दो लोग अफगानिस्तान देश में आज के टाइम पे खड़े। 40 साल हमने पाकिस्तान में गुजारा है। 40 साल आप? 40 साल, हमारा शादी भी उधर का हुए। अच्छा, हमारा बच्चे भी उधर पैदा हुए। हाँ, 8 बच्चे हमारे, सब उधर पैदा हुए, सब पाकिस्तान में पैदा, सब पाकिस्तान में पैदा हुआ। पाकिस्तान के लोग हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया किए, अच्छा रवैया, बहुत अच्छा लोग हैं। ये बाल वगैरह के लिए?
अच्छा अच्छा भाई जान की ये है सलून एक्चुअली, ये यहाँ पे भाई अफगानिस्तान का सलून भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बट अफगानी स्टाइल में यहाँ पे बाल वगैरह कटता है। तो जैसे अपने इंडिया के सलून होते हैं भाई, बाल काटने की दुकान कुछ वैसी ही है। इंशाल्लाह हिंदुस्तान जरूर आप कभी आइए हिंदुस्तान, अगर आपको मौका मिले हम आपकी खिदमत करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारे साथ मेहमान हो। शुक्रिया शुक्रिया, अभी हम ये घूम लें, ये सारा हम चक्कर कर ले। अरे भाई जान बहुत बड़ी बात, देखते हैं भाई ने बोला कि आज आपको रात में हमारे साथ बिताना होगा। ये है भाई एक कहते ना असली दिलदारी अपने पाकिस्तान भाई की। शुक्रिया भाई जान, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो यार ये काका की दुकान थी और इसी दुकान के बाजू में ही ना ये देखिए समोसा पकौड़े जलेबियाँ ये। हाँ भाई जान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ओह माशाल्लाह बढ़िया, सब कुछ खैरियत। आप अच्छा पश्तो बोलते हैं दारी? अच्छा तो ये अपना क्या क्या है, आप आइए थोड़ा बाहर आइए। इतने दिन से मैं ढूंढ रहा था कि मुझे समोसा कहीं मिल जाए, पकौड़ी कहीं मिल जाए, प्याज वाली पकौड़ी मुझे खानी थी और आलू का टिकिया खाने का मन कर रहा था। तो ये आप देखिए आलू की टिकिया दिख गई, अपना प्याज का पकौड़ा दिख गया। कई ऐसे दुकान मुझे दिखे जहाँ पे लोग जलेबियाँ बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं। तो अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि अफगानिस्तान में जलालाबाद एरिया में जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ वहाँ पे इस तरह से इंडियन स्ट्रीट फूड काफ़ी पॉपुलर है। हम लोग छानते हैं ना, ये देखिए ये इनका झन्ना, ये इनकी कढ़ाई और ये है पूरी इनकी भट्टी। ग्रोसरी की दुकान है, अफगानिस्तान का कूलर कैसा होता है भाई? ये है कूलर भाई जान, बोल रहे हैं ठंडा है, इधर है गर्म है, सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें भाई जान दिखा रहे हैं मुझे। तो ये अलग अलग ये देखिए फ्रिज में इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ले रखा है, पानी ले रखा है। तो अच्छी दुकान है, आप आइए खाइए पीजिए। माना डिस्ट्रिक्ट में है तो माना डिस्ट्रिक्ट का ब्रांडिंग किया हुआ चिप्स ये। तो यार ये तो था अपना लोकल स्ट्रीट फूड, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस माना डिस्ट्रिक्ट का सबसे पॉपुलर आइसक्रीम शॉप जलालाबाद। अगर आप आए हैं तो बोला जाता है कि कामा के इस आइसक्रीम दुकान पे आपको एक बार जाना जरूर बनता है। सही बोल रहा हूँ? मतलब आइसक्रीम अगर आपने यहाँ का नहीं खाया तो आपने पूरे अफगानिस्तान का आइसक्रीम नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, मतलब कुछ खाना नहीं खाया। बहुत नहीं, ये सबसे फेमस है। अच्छा फेमस क्यों है, किस बात के लिए फेमस? बस इसका टेस्ट बहुत अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा और जो कुछ आप चाहते हो मतलब दिल से बनाते हैं। हाँ दिल से बनाते हैं और जो कुछ आप चाहते हो जैसे जिस फ्रूट की फ्लेवर आप चाहते हैं तो उसी फ्लेवर को के कुल्फी या शिरियाख बनाते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं शिरियाख। शिरियाख शिरियाख बड़ा फेमस प्लेस है हमायूं मामा जो कि शेफ है, सबसे पहले यही कारीगर कामा में, सबसे पहले कारीगर यही था। अच्छा, और इसने पहली बार कामा में दुकान बनाया शिरियाख का दुकान। अच्छा, उसके बाद इसकी कॉपी बहुत सारे लोगों ने किया बट वो टेस्ट नहीं दे पाए। नहीं वो काका के है। सो ये सबसे फेमस एंड टेस्टी। अच्छा शिरिया। ओके ओके, तो भाई कुछ ऐसी है ये दुकान काका की और ब्रांडिंग ऊपर इन्होंने करके रखी हुई, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम काका, कैसे हैं काका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख के बड़ा दिल खुश हुआ। मैं भी खुश हुआ कि आपके बारे में इतना ज़्यादा सुना था और आज फाइनली आपको देख भी रहा हूँ अपने आँखों के सामने। तो सबसे पहले इस दुकान का राज क्या है, इस कुल्फी का राज, सीक्रेट राज आप मुझे बताओ। राज तो जी बताओ। आइसक्रीम का राज क्यों आप इतना मशहूर? तुम्हारा मशहूर है अफगानिस्तान के 34 विलायत है, मैं तो 34 विलायत अपने नामदार है। अब वो आइसक्रीम इतनी पॉपुलर है क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो है ये कि ये है कुल्फी तो कुछ ऐसी है और इसको सर्व करने का जो तरीका है ना वो कुछ ऐसा है। ओ, ओ, ओ। तो ये है कुछ ऐसा, तो इसमें क्या क्या ये एक्चुअली मिलाते हैं? एक्चुअली इसमें नेचुरल इलायची ये सब मिक्स करके इसमें मिलाते हैं। कुल्फी है, इस कुल्फी को जो बनाने का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। तो बर्फ़ चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, क्रीम चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है। ये अभी क्या फेंट रहे हैं इसको? हाँ ये इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ये है इसका मिक्स करने का तरीका। खड़ा है जैसे ये बुर्ज खलीफा की तरह हो भाई, जो टावर है ना कुछ वैसा है दिख रहा होगा ये आइसक्रीम। और यार यहाँ पे इस आइसक्रीम शॉप पे इस तरह से मचान इन्होंने बनाया हुआ है और ये देखिए ऊपर इन्होंने इस तरह से पंखे लगाए हुए हैं, ये है लाइट। तो यहाँ का जो अरेंजमेंट है ना टिपिकल वैसा लग रहा है जैसे हम किसी शादी के वक्त बारात में आए हुए प्लेस पे बैठते हैं, तो जहाँ पे बारात के लिए अरेंजमेंट किया जाता है कुछ वैसा ही माहौल यहाँ पर दिख रहा है।
जनरेटर वगैरह देखिए, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं तो वो सब यहाँ पे, क्योंकि लाइट भाई काफ़ी ज़्यादा जाती है यहाँ पे। तो ये है देखिए यहाँ का लोकल जनरेटर, एक ये है एक पीछे है। तो आई थिंक इस तरह से रेस्टोरेंट में अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ गाइस कि ये एक छोटी सी रिवर है और उस रिवर पे इन्होंने मचान टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब रेस्टोरेंट एक ऑथेंटिक अफगानिस्तान का कैसा होना चाहिए आप खुद अपनी आंखों से देखिए, इतना नेचुरल व्यू है यहाँ पे। अभी तो सैलाब आया है। अच्छा, कुछ दिनों के लिए इसका कलर गंदा होगा, उसके बाद ये बिल्कुल साफ, पूरा पानी साफ, पानी साफ सुथरा। यार हमने जो आइसक्रीम ऑर्डर की थी अब जाके हमारी आइसक्रीम आ गई, और भाई साहब देखिए पूरा परात में लेके आए हैं, और ये है इनका सर्व करने का तरीका इस आइसक्रीम का। अब देखिए अलग अलग आइसक्रीम, उसमें इन्होंने फ्लेवर एक्चुअली डाल दिया हुआ, सिंपल है। अच्छा ऐसा क्या, मैं तो फिर घाटे में हो गया। मुझे भी वही वाला चाहिए फिर तो, ये सिंपल विशाल का खाऊंगा आधा। हाँ खा लो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। खीर अच्छा मिलेगी, मलाई है, मलाई सिर्फ मलाई। हाँ खाओ भाई आप, चलो टेस्ट करते हैं। सर एक बार टेस्ट करते हैं, बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। ये तो आप बताओगे क्योंकि आप तो खाते हो। नहीं नहीं, नहीं विशाल से पूछूंगा। कैसा है भाई विशाल, एक बार तुम खाओ। अच्छा बहुत अच्छा यार, विशाल से बोलते हैं देखो मैंगो वाला वो भी खा रहा। अरे आप मैंगो तो लो भाई जान। भाई साहब सही सही बोल रहा। मैं बिल्कुल सही बोलूंगा भाई, एकदम जो रबड़ी होती है ना, रबड़ी रबड़ी, तो रबड़ी है पूरी, बेहतरीन रबड़ी दूध है। और मैंगो का तुमको मैंगो चाहिए था, फ्लेवर आ रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि मुझे नॉर्मल मिल गया है। नहीं मैं ना, फ्लेवर है थोड़ा बहुत इसमें, छोटे छोटे से ना वो पड़े हुए हैं पल्प, आप दिख सकते हो ऊपर से, देख सकते हो ऊपर से देखो ये छोटे छोटे मैंगो के, वो ऊपर से उन्होंने डाला है। बहुत ज्यादा मैंगो तो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, अच्छा है, बढ़िया टेस्ट है, मस्त। तो यार विशाल ने भाई अप्रूव कर दिया कि रबड़ी जैसा माहौल है, तो अपने राजस्थान की याद अफगानिस्तान के जलालाबाद में आ रही, कामा डिस्ट्रिक्ट में। अभी रात के 8:30 बजने वाले हैं, और जलालाबाद प्रोविंस को घूमने के बाद हम आए हैं कुनर प्रोविंस पे, और कुनर प्रोविंस के बारे में आई थिंक साफी भाई ज़्यादा आपको बताने वाले हैं क्योंकि वो यहीं से पले बड़े हैं। हाल ये है वो दुकान, और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम काका जी, कैसे हो आप? ठीक है। हिंदुस्तान वाला समोसा है, अफगानिस्तान वाला समोसा है? हिंदुस्तान वाला समोसा। अभी आपने मेरे दिल की बात बोल दी। तो भाई समोसा दिखा देता हूँ जो हमने खाया। तो समोसा ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे खस्ता होना चाहिए ना, तो समोसे में खस्तापन है जो हमने खाया। और अब आई थिंक ये कुछ ग्रेवी बना रहे हैं, काफी गाढ़ी चाय, आप खुद देखो। शुक्र है। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बढ़िया, सब खैरियत है, सब खैरियत है। ओके ओके, यहाँ की दुकानें, यहाँ का बाजार, यहाँ का खाना पीना, यहाँ के लोग, यहाँ का वेशभूषा, ऑलमोस्ट सब कुछ भाई इंडिया जैसा ही मुझे लग रहा है। तो आज का दिन ऐसा ही यार, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में। तो आज का दिन कैसा रहा, वीडियो आपको कैसा लगा, जलालाबाद का जो हमने आपको सबसे फेमस फूड दिखाया वो कैसा रहा, आज की पूरी ये जर्नी, आइसक्रीम की शॉप भी हमने आपको दिखाई, और फाइनली इंडियन समोसा और चाय का तड़का, ये सारा कुछ आज के वीडियो में आपने एक्सपीरियंस क्या होगा। तो जैसा भी वीडियो लगा यार अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले नए वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, और यूँ ही ट्रैवल करते रहिए पूरा सेंट्रल एशिया, फिलहाल अफगानिस्तान। सी यू समवेयर ऑन द नेक्स्ट अफगानिस्तान रोड। काका बाय बाय, मनाना। We'll be right back.